जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोड को चाटेगा उसे। क्यों? किसके खाते में 2000 रुपए? किसके खाते में आए? कितने काम दे हम 2000 रुपए उस सरकार को देंगे हर हर महीने। क्या हमें काम दे तो हम सरकार को देंगे ना। महंगाई है या नहीं आपकी? नहीं है हमारे हिसाब से। मैं महंगाई नहीं, दूध पर GST लग के चल रही है। दूध पर GST? अरे वो तुम पे ही लग रही है। हम पर GST लागू हुई थी पहले, फिर राशन बांटा BJP ने, कहाँ गया वो? 10 किलो 10 किलो गेहूँ में 10 किलो मैं ले गया, 10 किलो अरे मैं ले गया 10 किलो गेहूँ में 5 परिवार होंगे, चल जाएंगे, कितने दिन खा लेगा? मैं ले गया क्या? मेरे पास जमीन नहीं है भाई, छर्रा भी लोग ठीक है। हाँ कहा हूँ दादू का मैं दादू का हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन है। और लोग हम जमीन पर उतर चुके हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? परमानंद। महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई तो है, महंगाई तो है, महंगाई से जूझ रहे हैं? जूझ तो रहे हैं, अब क्या करेंगे। कितनी महंगाई है आपके? महंगाई और सैलरी भी उतना नहीं है कि उसी हिसाब से, सैलरी उसी हिसाब से नहीं है। आप कह रहे सैलरी नहीं है और महंगाई है, लेकिन सरकार कह रही है ना तो महंगाई और सैलरी डबल हो गई। सैलरी डबल कहाँ हुआ है? सरकार कह रही है। सरकार कहने से क्या हो जाएगा? जो पब्लिक कहेगा वो होगा कि सरकार को कहने से हो जाएगा? क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए यही कहेंगे कि पब्लिक जो से ऐसा ना करे, जो महंगाई है उस महंगाई को जो से बचा के करे। भैया सरकार कहती है महंगाई नहीं है, जनता महंगाई से परेशान है, आपके हिसाब से क्या महंगाई है कि नहीं है? महंगाई फुल पावर है। आलू जब 50 के 2 किलो मिलेंगे, प्याज जब 40 का 2 किलो 1 किलो मिलेगा, और दुनिया की जो भी सब्जी है सब महंगी जब मिलेंगी तो ये जनता खाएगी क्या? पब्लिक आती है 9000 की नौकरी करती है, उसमें PFSI कट जाता है, 50 पैसा वो किराए भाड़े में चला जाता है, तो क्या अपने बच्चों को खिलाएगी, क्या अपना खाएगी? तो महंगाई है। सरकार कह रही है महंगाई नहीं और आमदनी 2 गुना हो गई। आमदनी 2 दुगुना नहीं, आमदनी तो बहुत नीचे हो गई। आमदनी 2 दुगुना होती तो ये जनता इतनी दुखी नहीं होती। अगर महंगाई की बात करें तो सरकार को कितने नंबर देंगे? महंगाई की बात करें अभी ये नहीं कह सकते हम सरकार को कितना नंबर दे सकते हैं, लेकिन इसमें से कितने नंबर सरकार के कामों पे? वही 9-8। 9-8 मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया है? बिल्कुल हाँ, काम कहीं कहीं तो किया है। ऐसे हम मोदी और योगी की जगह कोई बुराई करें तो नहीं कर सकते हैं, काम तो उन्होंने किया ही है किया, लेकिन मेन चीज ये है कि ये महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा तो क्या बोल रहे हैं भैया पीछे से आप? ये कंपनी में काम नहीं है, पब्लिक रोड पर घूम रही है, महंगाई तो रहनी है। सरकार कहती है जो योग्य नहीं है, जो काबिल नहीं है वो लोग सड़कों पर है, जिनके पास हुनर है वो तो नौकरी लेकर बैठे हैं। नहीं बैठे हैं, जब कंपनी में काम ही नहीं है तो बैठेंगे कहाँ से? रोजगार है। क्या कहना चाचा, गुजरात पहुँचो? और का उन्होंने है काम बढ़िया। गुजरात में क्यों? अच्छा और क्या करें? गुजरात क्यों चाचा? हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारे लिए काम ही नहीं है। अच्छा मतलब सरकार ये कह रही है कि पढ़े लिखे हो तो काम है वरना नहीं है? जब हमारा बाप मर गया तो कौन पढ़ाता? तो भी कुछ काम नहीं। ये सवाल कर रहे हैं सरकार से कि अगर पढ़े लिखे नहीं है तो काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। चाचा सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? ये आधा फिर बताएं। 50 रुपए मजूरी मिले, 200 रुपए तेल है, कहाँ से लाएंगे हम? सरकार तो कह देते महंगाई नहीं है। हाँ महंगाई नहीं क्या बोलो ना, महंगाई है। जो पढ़ाई पढ़ रहे के जो BA MCOM कर रहे हैं वो भी अभी वो हेल्परी का काम कर रहे हैं, जो BA MCOM कर रखे हैं, ऐसी सरकार है। सरकार तो कह रही हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं। कौन कह रहा नहीं है? जो BA जो कह रही जो पढ़ाई लिखे फिर भी वो भी कहना कंपनी में ठेली चला रहे, क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी? जिनके पास हुनर था, योग्यता थी, उनको रोजगार मिल गया, उनको सरकारी नौकरियां मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास हुनर है वो भी हेल्पर ही कर रहे हैं कंपनी में। भैया महंगाई को लेकर सरकार को कितने नंबर देंगे? महंगाई को लेकर 3 नंबर देने, और महंगाई तो इतनी है कि हद से ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे मतलब हेल्पर ही काम कर रहे हैं, 8000 महीने की मिल रही सैलरी, 8000 में क्या हो जाएगा? 8000 30 दिन अगर वो भी 4 बार छुट्टी कर ली तो वो भी चला जाता है, महीने में अगर 30 ड्यूटी करोगे तो 8000 रुपए सैलरी मिल रही है। सरकार के हिसाब से महंगाई नहीं है, जनता क्या चाहती है? सरकार के हिसाब से महंगाई नहीं, हमारे हिसाब से देखो ना,
महंगाई तो हम झेल रहे हैं ना, हमें मतलब खाने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं, जितना कमाते उतना चला जाता है। कमरे किराया 3000 मिल रहा है, कमरे किराए दें अपना पेट पालें, क्या करें अभी। चलो शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी, मेरे लोग की शादी होगी, बच्चों को पालें क्या करेंगे इतनी महंगाई में। वो तो कहेंगे मेरी महंगाई नहीं है, मुझे पता ना महंगाई है क्यों मेरे ऊपर हो रहा है ना। ऐसा क्योंकि जनता जिस महंगाई की मार से मर रही है वो सरकार को दिखाई नहीं देती। सरकार दिखाई देगा ही नहीं, अंधी है ना वो। और क्या सरकार अंधी है, और क्या अंधी है। सरकार तो कहती है कि हम सरकार अडानी अंबानी का सरकार, और तो गरीबों की बताती है। गरीबों का एक मैडम जिसके पास पैसा है उसकी सरकार। अगर गरीबों को होती तो मरने के बाद आदमी कफन, जो कफन होता है जीएसटी दे उसको, उस पर जीएसटी दे। मरने का मुर्दा हो गया बंदा उस पर भी जीएसटी लग रही है कफन पे। ये चीज देखो ना, इस चीज को देखो आप। अब महंगाई घटा रहे हो, महंगाई घटा रहे हो, महंगाई कहाँ घट रही है। 70 साल में जो कोई नहीं किया, राशन फ्री मिल रहा किसानों को, 2000 रुपए महीने फ्री मिल रहे, और क्या चाहिए तुम्हें। बोले क्या चाहिए, इतना सब कुछ तो दे दिया भाई। 1000 रुपए किसके खाते में आए, इनमें से किसके खाते, किसके खाते में 2000 रुपए किसके खाते में आए। किसान कितने हैं, किसानों क्या होगा 1000 रुपए में, ये बताइए आप। नौकरी छोड़ दो 2000 रुपए की वजह से। अरे तो घर बैठे वो कह रहे नौकरी छोड़ दो, अरे बगैर काम करे तुम्हें मिल रहा है। तो चाहती है हम करके बात करते हैं, हमें काम दे, हम 2000 रुपए उस सरकार को देंगे हर हर महीने। क्या हमें काम दे तो हम सरकार को देंगे ना। काम नहीं दे रही है। और क्या है बताओ, सारे कामों की ऐसी तैसी मार रखी। थोड़ा सा रास्ता दे देते हैं, देखो आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, थोड़ा सा रास्ता दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों को 2000 रुपए महीना दे रही है, तमाम चीजें आपने गिनवा दी, फिर राशन भी गिनवा दिया। सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सरकार 2000 रुपए देगी तो हम 3000 ना, हमें काम दिया जाए ठीक ठाक से। रोजगार दे रही, आए दिन रोजगार में बढ़ रहा। कंपनियां चलती थी 8 घंटे नहीं चल रही, आप क्यों हो यहाँ। सैमसंग कंपनी का जो प्रोजेक्ट आया उसमें 1,00,000 वर्कर काम कर रहे हैं, वो काम नहीं है क्या है। मुझे ये बताइए इस समय आप क्यों हैं। 12 घंटा कंपनियां चलती थी ये सारी, काम तो हर जगह, यहाँ से जो फॉरेन कंट्रियां वहाँ भी लोग सरकारी नौकरी जॉब करने वाले 10 घंटे 12 घंटे। ऐसा क्योंकि काम आप लोगों को दिखाई देता है, इन लोगों को दिखाई नहीं देता। नहीं ये बताइए, यदि काम ही है 12 घंटे कंपनियां चलने वाली थी, 8 घंटे में छुट्टी कर रही है। बोला कि 2000 रुपए हर महीने मिल रहे, किसके खाते में आए कि 2000 रुपए, पूछ रहे जरा। 2000 रुपए कभी नहीं आए, किसी के नहीं आए भैया, मना कर दे सब। यहाँ पर मैडम किसान नहीं है, ये मेरी बात सुनो, ये पहले आप यहाँ पर घर वालों के खाते में आएंगे, माँ बापों के खाते में आएंगे, हमारे खाते में, जिनके नाम जमीन है चाहे 1 बीघा चाहे 10 बीघा उसके खाते में आ रहे हैं, मेरे गांव में आ रहे हैं। अच्छा काम किया, अच्छा काम कर रही है, नंबर देंगी 10, अच्छा काम कर रही है, किसके लिए क्या नहीं किया, काम गिनवा दीजिए, काम रोड बनवाए हैं, ये काम गिनवा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार के काम गिनवा रहे हैं, काम गिन लेते हैं। हम बहस नहीं करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे। रोड बनवाया हमारी तरफ, अब भी ये नहीं, ये बीजेपी सरकार के काम गिनवा रहे हैं, उस पर हम जवाब लेंगे आपके। वो उनको मालूम होगा, पनेटी रोड अब भी बन रहा है, वो सरकार में बना आज तक, वो सरकार में बना आज तक, जो सफर 10 घंटे में करते थे हम लोग, अब वो 6 घंटे में हो रहा है। जो काम पहले घंटों में हुआ करता था वो 6 घंटे में हो रहा है। देखिए मैडम, हमारा देश या कोई भी देश है आगे बढ़ेगा, कोई काम हमेशा जब होगा तो वो नया ही होगा। अब कोई रोग टूटा है तभी तो बनेगा, क्या ये इस सरकार में बन रहा, पिछली सरकार में नहीं बने थे क्या रोग। मंगाएगा तुम्हें घर बैठा के खिलाएगा, ये बताओ काम तो तुम अपने हाथ पैरों से करोगे। देखते क्या थोड़ी ना कराएगा काम, पिछली सरकार में रोड नहीं बनते थे, बनते थे बनते रहेंगे। नहीं बात नहीं भैया, महंगाई है या नहीं आपकी। नहीं है हमारे हिसाब से, मैं महंगाई नहीं है, महंगाई का मुद्दा रीजन ये है कि पहले जो बहुत ही स्लो काम चलते थे, आज के टाइम में फास्ट काम चल रहे हैं, जमीनें कम हुई, रोड हाईवे कंपनियां, तो महंगाई उसी हिसाब से बढ़ रही है। इन लोगों के हिसाब से महंगाई नहीं, सरकार के हिसाब से महंगाई नहीं, आप क्या कहेंगे। यही तो सारी वजह है, अब हम यही खत्म हो जाएंगे। 100 आदमी तो जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो रोड को चाटेगा उसे क्यों, रोडों पे। हाँ रोडों पे अपने कर्मों से रहे ना, जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, तेल तेल का रेट क्या चल रहा है, दूध पर जीएसटी लग के चल रही है, दूध पर। अरे वो तुम पे ही लग रही है, हम पर जीएसटी लागू हुई थी पहले, इलेक्ट्रॉनिक चीज पर लागू हुई थी,
अब दूध पे भी और राशन पे भी चल रही है जीएसटी। फ्री कब मिला था? जब इलेक्शन का टाइम था तब फ्री मिला था, अब राशन फ्री नहीं है। उनमें किसने खिलाया मेरे को ये बता दो, किसको हाथों से ठोक के खाया था अपने हाथों से यार? मैं भी, अरे सुन, मैं भी अलीगढ़ का अपने हाथ से ठोक के खाया था। किसी ने फिर राशन बांटा बीजेपी ने, कहाँ गया वो? दस किलो गेहूँ में 5 परिवार होंगे, चल जाएंगे, कितने दिन खा लेगा? ले गया क्या? अरे 10 किलो गेहूँ में 5 परिवार चल जाएंगे? अरे 5 परिवार वो इनके हाथ में है, पूरा राशन हम पूरी जनता को बीजेपी खिलाने आएगी क्या? सत्ता में आने से पहले के पास पैसा है, उसी के पास सरकार है, जिसमें पैसा नहीं है उसके लिए सरकार कुछ नहीं है। तो मायावती का एक मिनट में ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए मिला है, मिल किसको रहा है? जिसके पास है जमीन मिल उसको मिला है, मिलना उसको चाहिए, जिसके पास जमीन नहीं होनी चाहिए उसको मिलना चाहिए। जमीन है वो तो जमीन में खोद के खा लेगा, उसको नहीं मिला। जिसके पास जमीन नहीं है, जो बिल्कुल लापता है उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना अच्छा रहता है, और जिसके पास जमीन है उसको नहीं मिलना चाहिए। जो जमीन बेच के खा गए उनको क्या मिलना चाहिए? मेरे गांव में कूट कूट जमीन नहीं आ रही, मैं भी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है भाई, छर्रा भी लोग ठीक है। मैं दादू का हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन है। भैया क्या कहेंगे, सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ काम नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कर रही। हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है। जो सरकार के राज में आप लोग सड़कों पर हैं, भटक रहे हैं। जो 350 रुपया कमा रहा है मैम, वो क्या कमाएगा क्या खाएगा ये पहले बताइए। अभी सब्जी का रेट देख लीजिए, 350 रुपया कमा करके लाते हैं, 50 अगर 100 रुपया लेकर के आते तो सब्जी लेकर के नहीं जा पाते। देखिए ना, ये रोड से बनाने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति हर एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, क्योंकि इसके देखो 5 बजे ड्यूटी करने से, मगर प्राइवेट हो या कुछ भी नौकरी हो, 5 बजे ड्यूटी करने से घर परिवार नहीं चल जाएगा। सरकार दावा कर रही है हमने रोजगार दिया है और आगे भी रोजगार देंगे, रोजगार है कहाँ? ये तो 5 बजे देखो पब्लिक के भेड़ देख लो दुनिया भर की, 5 बजे क्या रोजगार है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, क्या है रोजगार देखो? इतना महंगाई पर, महंगाई की वजह से आपको कितनी समस्याएं हो रही? महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। देखो अगर हम माना जाए तो, अगर मान लो 12,000 की या 9,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो इससे हम 10 परिवार चला नहीं सकते। चला लेंगे अगर मान लो हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 12,000 की या 10,000 की कर रहे हैं, उससे हम तो 10 परिवार चला नहीं सकते। अगर हम ये रोड दिखा दें, रोड दिखाने से तो हमारा कब पेट भरेगा नहीं, अगर हम पे पैसा रहेगा तो भी तो हम 10 परिवार को चला सकते हैं। हैं तो हमें ना रोड, हमें महंगाई कुछ भी हो पर हमें नौकरी चाहिए, ठीक है? हमारी जो 12,000 तनख्वाह है 15,000-20,000 होने चाहिए, ठीक है? हर कह रही है महंगाई नहीं है, जबकि वादा कर कर आई थी सत्ता में कि महंगाई को कम कर देंगे। महंगाई तो बहुत है हमारे नज़र में, तो बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई को नहीं, महंगाई है या नहीं है, और सरकार के काम से कितना खुश है? महंगाई तो इतनी है जितनी हदसे ही ज्यादा है, बच्चे पालने मुश्किल पड़े हैं, बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना मुश्किल पड़ा है हर किसी को। अमीर तो अपना पेट भर रहा है, गरीब वैसा का वैसा ही है, बही का बही है।